वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से हूँ। आज हम आए ज़ू गार्डन। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ज़ू गार्डन में ऐसा क्या ख़ास है, हम लोग अक्सर आते रहते हैं और मेरे ख्याल से कराची में ऐसा कोई नहीं होगा जिसे ज़ू गार्डन ना देखा हो। बहुत ही पुरानी और फेमस जगह है ज़ू गार्डन, पर आज यहाँ कुछ नया होने वाला है। नया होने वाले से मतलब ये है कि यहाँ ज़ू गार्डन गेट 5 पे, ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, अम्ब्रेला रूफ शेड, इन लोगों ने अम्ब्रेला को इस तरह से हैंग किया है। बहुत ही अच्छा खूबसूरत मंजर लग रहा है। अच्छा, यहाँ पे क्या कहते हैं, फूड स्ट्रीट भी कायम होगी। अब ये तो नहीं पता कब कायम होगा, आई थिंक 31 दिसंबर के बाद से या 1 जनवरी से ये फूड स्ट्रीट इस तरह से कायम होगी। तो फूड स्ट्रीट का जब इफ्तिताह होगा तो हम इंशाल्लाह यहाँ भी ज़रूर वापस आएंगे, विज़िट करेंगे और फूड स्ट्रीट की एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे। पर अभी तो यहाँ इस तरह से अम्ब्रेला का इन लोगों ने डेकोरेशन किया जो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप लोग भी ज़रूर आइएगा, विज़िट कीजिएगा, इन्जॉय कीजिएगा। और जब आप लोग यहाँ आए तो ये दो पीतल के शेर है, इसे ज़रूर देखिएगा। अच्छा, सुनने में ये है कि बर्तानिया से ये दो पीतल के शेर आए हैं। तो ये जो पीतल के शेर है वो भी फ़ोटोशूट में बहुत बिजी है, बच्चों ने तो उसे बिल्कुल घेर लिया था। और मैं वापस से कहूँगी, ये जो अम्ब्रेला है बहुत ही अच्छी और ख़ूबसूरत लग रही है। आप लोग भी ज़रूर आइएगा और ख़ुद देखिएगा, आप लोग यही कहेंगे कि वाओ दिस ब्यूटीफुल। इन लोगों ने यहाँ साथ साथ एक बड़ा सा केज भी बनाया है, जो केज लग नहीं रहा, पर वो केज है इतना बड़ा है, ओपन स्पेस है, वहाँ बहुत सारे एनिमल्स होंगे, ऑस्ट्रिच हो गया, डियर हो गया और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं। तो जब फूड स्ट्रीट का इफ्तिताह होगा तो लोग फूड स्ट्रीट को भी इंजॉय करेंगे। यहाँ अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला जो हैंग हुई है उसको भी इंजॉय करेंगे और साथ साथ एनिमल्स को भी इंजॉय करेंगे। तो मुझे तो इंतज़ार है कि फूड स्ट्रीट कब कायम हो और हम कब यहाँ विज़िट करें। ये बजे 12 से 6 बजे होगी, ये सब खुला।